गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉयिंग आवर लेक्चर सीरीज। जैसा कि बेटा हम 12th फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर के ऊपर कॉन्टिन्यूसली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आज बेटा उसी चैप्टर का एक सबसे लास्ट टॉपिक है और कॉम्पिटिशन के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। टॉपिक क्या है हमारा आज का? ड्यूल डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखिए बेटा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है काल्पनिक बातें, कल्पना करना, इमेजिनरी। और ड्यूलिस्टिक हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं ड्यूल नेचर। जैसा कि बेटा हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये देखा कि जो हमारे पास रेडिएशन है उनका वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। मोस्टली जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं रेडिएशन का, वो वेव नेचर देख पाते हैं। और कुछ एक केसेज में जैसे हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, उनके अंदर जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी प्रूफ होता है। तो वहां से बेटा ये बात क्लियर हो गई कि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर या ड्यूलिस्टिक। अब एक चीज और देखिए बेटा, अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी रूल है, अर्थ अपने रूल को कभी भी वॉयलेट नहीं होने देती। अब अगर रेडिएशन के दो नेचर हैं तो मैटर के भी दो नेचर होंगे। हमारे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं बेटा हमारे नेचर में, एक रेडिएशन और एक मैटर। अगर रेडिएशन के दो नेचर हैं, पार्टिकल और वेव नेचर, तो मैटर के भी दो नेचर एग्जिस्ट करेंगे, पार्टिकल एंड वेव नेचर। मैटर बेटा आप कोई भी देख लो, जैसे हमारा ये मार्कर है, ये किससे बना हुआ? मटेरियल से। मटेरियल में क्या होता है? मैटर। मींस मैटर में क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। मींस मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमें पता है, होता है। आज हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, आज हम उसका देखने जा रहे हैं कि हर एक मैटर का, हर एक मटेरियल का एक वेव नेचर भी होता है। उसके लिए क्या कहा गया? डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। एक्चुअल में ये किसने किया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने ऐसा हाइपोथेटिकल, मतलब उसने ऐसा सोचा, जो हमारे साइंटिस्ट है डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर रेडिएशन के दो नेचर होते हैं तो हमारे पास मैटर के भी दो नेचर होते होंगे। लेकिन उस टाइम पे बेटा उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया था। जब तक कोई फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हो, हम उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि ऐसा है। तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया लास्ट में। मींस जो मैटर हैं उनके भी दो नेचर होंगे, पार्टिकल एंड वेव नेचर। मींस मैटर भी कैसा है? ड्यूलिस्टिक नेचर। लेकिन ये बेटा बाद में प्रूफ किया गया, उससे काफी साल पहले ही डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने कह दिया था कि ऐसा कुछ होता होगा। बाद में जब प्रूफ हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, जिसकी वजह से डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज भी मिल गया इस डिस्कवरी के लिए। आज हम देखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या डिस्कवर कर दिया था। तो देखिए बेटा, अब तक जो हमने पढ़ा है रेडिएशन का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर हम प्रूफ कर चुके हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मींस एक फोटोन था हमारे पास, एक फोटोन मूव कर रहा था। फोटोन किस वेलोसिटी से मूव करता है बेटा? c वेलोसिटी से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से। अगर c स्पीड से मूव करे तो एक बेटा मैं बात करता हूं कितनी एनर्जी से मूव करेगा? mc स्क्वायर। किसने दिया? आइंस्टीन ने, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एक बेटा फोटोन है, फोटोन की एनर्जी e इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। एच न्यू, न्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी को हम दो वे में लिख सकते हैं, लेकिन फोटोन की एनर्जी तो वही है, चाहे आप उसको एक फॉर्म में लिख लो चाहे दूसरी फॉर्म में। मीन्स ये दोनों है इक्वल, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एक सी से सी काट दे बेटा तो हमारे पास क्या बचेगा? एच अपॉन लैम्डा एम सी। मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता है? मोमेंटम। मीन्स हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया? एच अपॉन। मीन्स जो हमारे पास फोटोन्स थे, रेडिएशंस थी, उनका वेवलेंथ था और उनका मोमेंटम। तो ये हुआ कि डी ब्रोगली ने ऐसा सोचा कि ऐसा फिर मैटर के केस में भी होता होगा। मैटर के केस में भी मोमेंटम है तो वहां पर वेवलेंथ भी आएगी, मीन्स वेव नेचर भी एग्जिस्ट करेगा। मीन्स मैटर का वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता होगा।
क्योंकि यहां बेटा मोमेंटम को वेवलेंथ से रिलेट कर पा रहे हैं, किसके अंदर, रेडिएशन के अंदर। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि मैटर में भी ऐसा होता होगा कि जहां मोमेंटम है वहां पर वेवलेंथ है, वेवलेंथ है मींस वहां पर वेव नेचर शो करेगा। तो इसके लिए बेटा ये है हमारे पास डी ब्रोगली रिलेशन, इसको आपको ध्यान में रखना, या इसको आप ऐसे रख लो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये बेटा डी ब्रोगली रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप बेटा यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, डेविजन जर्मर, डेविजन एंड जर्मर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था किसी मोमेंटम से, उस मोमेंटम को यहां रख के देखा तो जो वेवलेंथ आई वही वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो वेवलेंथ सेम आई। मींस जो हमारे पास डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी, डी ब्रोगली ने कहा था कि ऐसा कुछ होता होगा, तो वो बेटा डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट से बाद में प्रूफ भी हो गया। प्रूफ कैसे हुआ, एक लिया गया इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम हमें पता था, उसकी एक वेवलेंथ हमने इस फॉर्मूले से निकाली और एक वेवलेंथ हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की, तो दोनों ऑब्जर्वेशन बेटा दोनों मेजरमेंट सेम आई। मींस यहां से फिर प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास मैटर है उसके भी दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ये था बेटा अपना छोटा सा टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब बेटा अब हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले के ऊपर एडवांस में न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मींस अब तक हमने क्या देख लिया कि डी ब्रोगली रिलेशन हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्डा क्या बेटा, वेव लेंथ, वेव की लेंथ, और हमारे पास P क्या है, P, P फॉर मोमेंटम। अब ऐसा देखो हमें ये फील होता है कि अगर ये मैटर है, मान लो ये मैटर है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव करे तो इसके अकॉर्डिंग तो मोमेंटम है तो वेवलेंथ आएगी। मींस जो ये मूव कर रहा है ये एक वेव बनाता हुआ मूव कर रहा है इस टाइप में। अब क्या एक्चुअल में हमें वेव नेचर इसका शो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बेटा वेव नेचर शो क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई गाड़ी है, इस गाड़ी की बेटा मैं स्पीड मान लेता हूं, मास मान लेते हैं 1000 केजी मान लेते हैं मास, और साथ में हमने क्या मान लिया 180 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रहा है। इस एग्जांपल से हम ये देखना चाह रहे हैं कि रियल में हमें ये लगता है इसका पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर क्यों नहीं फील होता हमें, उसका डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। देखो अगर 1000 किलोग्राम की कोई गाड़ी 180 किलोमीटर पर हावर से मूव कर रही है तो बेटा वेवलेंथ निकालने हम निकालें तो क्या आएगा, h अपॉन mv, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m into v। h क्या आएगा 6.67 into 10 raised to power minus 34 by में m, m हमने कितना लिया है 10 raised to power 3। अब हमारे पास जो स्पीड है बेटा, स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, 180 किलोमीटर में 1000 मीटर, हावर 3600 सेकंड्स, इसको बेटा हम काटते हैं मींस 50 मीटर पर सेकंड, मींस जो हमारी गाड़ी मूव कर रही है अगर हम उसके मीटर पर सेकंड में हम निकालें तो ये आएगा बेटा 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हम यहां पर 50 लिख देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 रे टू पावर माइनस 34 बाई में 5 इंटू 10 रे टू पावर 4। ये चीज देखो, 5 को इससे डिवाइड करें बेटा ऑलमोस्ट क्या आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 4, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 38। ये हमारे पास वेवलेंथ है, मींस एक वेव, वेव बेटा ऐसी बनती है, ये हमारी क्या होती है, और एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना हॉरिजॉन्टली मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब बेटा इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो, एक के डिवाइड में 38 जीरो, 38 जीरो,
मीन्स उतनी छोटी वेवलेंथ को क्या हम देख पाएंगे? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी हेल्प से हम उसको देख पाए या मेजर कर पाए? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये गाड़ी मूव कर रही है, इसके पीछे वेव बन रही है, लेकिन वेव की वेवलेंथ इतनी कम है कि हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए पार्टिकल का, मैटर का, मैटर का पार्टिकल नेचर हमें दिखाई देता है क्योंकि ये गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, पार्टिकल है, दिखाई देता है। लेकिन वेव नेचर इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि जो ये वेव बना रहा है, जो उसकी वेवलेंथ है, वो इतना कम है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमें दिखाई देगा किसका? किसका देगा बेटा? एक्सपेरिमेंट में कैसे किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच 6.67 × 10⁻³⁴ बाई में एम, एम क्या होता है 9.1 × 10⁻³⁶। ये हमने किसका मास लिया? इलेक्ट्रॉन का। और हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो 10⁻¹⁰ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा, बेटा यहाँ हमने एम इंटू वी लिख दिया, मोमेंटम आ गया। अब यहां से देखें 6.67 × 9.1 × 10⁻³⁻³० ऊपर जाएगा तो क्या है 10⁻⁴। मींस जो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 10⁻⁴ मीटर, इसको बेटा हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप्स। मींस माइक्रोस्कोप की हेल्प से या हम एक्सपेरिमेंटली इनको देख सकते हैं। मींस जो ये वेव बनाएंगे उसकी वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁴, जिसको एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो बेटा यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि मैटर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल, मैटर, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो हमें पता है क्योंकि वो पार्टिकल है। अब उसका वेव नेचर भी शो हो रहा है क्योंकि इतनी वेवलेंथ है उसके पास, जब वो मूव कर रहा है तो पीछे वेव बन रही है, तो वो वेव इस वेवलेंथ की बन रही है। तो यहां से बेटा प्रूफ हो गया था। अब ये था हमारे पास कि अब हमें ये फील आ गया कि हाँ, मैटर का पार्टिकल वेव नेचर होता है, लेकिन मास ज्यादा है तो वो वेव नेचर हमें शो नहीं हो पाता क्योंकि लैम्डा यहां से बेटा मास के ऊपर डिपेंड है। मास लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम आएगा, और वेवलेंथ कम आएगा तो वो हम एक्चुअली उसको मेजर या किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसको हम देख नहीं पाएंगे। आई होप बेटा नाउ इट्स क्लियर व्हाट इट्स मीन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और ये बेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कॉम्पिटिशन में या हमारे सीबीएसई बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बेटा ये तो सभी याद है, सबको याद है, चाहे इसके पीछे का मीनिंग ना पता हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी सबको याद है। अब देखो मोमेंटम क्या काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं? क्या मोमेंटम, मोमेंटम पी स्क्वेयर बाई टू एम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी? अगर बेटा पी स्क्वेयर की बात करें 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p की बात करें क्या आएगा? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। मीन्स लैम्डा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसमें आपको ऐसे कह दें कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा? तो आप देखोगे बेटा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कह दे कुछ पार्टिकल हैं जिनका मास सेम है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो लैम्डा कैसे आएगा? आप यहां से निकाल दोगे। अब अगर मैं बात करूं बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ क्या आएगी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यहां से ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको एक डाउट क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अब हम बेटा ये डिस्कस कर रहे हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हमने एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया दोनों के बीच में, दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है,
उनके बीच में या एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, आप ऐसे समझ लो इनके बीच में एक वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन रख देते हैं रेस्ट में, हमने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रख दिया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रखा तो वो बेटा ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर जब ये पहुंच गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 mv². तो काइनेटिक एनर्जी है क्या बेटा, उसने वर्क डन किया है, उसने क्या किया, वर्क डन का हम क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, q × v। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 1 वोल्ट, या हम कहते हैं वी वोल्ट, हम यहां ये कहते हैं कितना पोटेंशियल हमने लगाया, वी वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, E, उसके ऊपर चार्ज। अगर हम ये कह दें कि यहां पर 1 वोल्ट लगाया है, तो बेटा 1 वोल्ट लगाएंगे तो वर्क डन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू में वी, वी की जगह पे 1, तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर हम सिंपली बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे समझो आप मीटर, जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट, मीटर क्या है, छोटी यूनिट। तो वैसे ही एनर्जी की जूल क्या है, बड़ी यूनिट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, छोटी यूनिट। ठीक है बेटा, आई होप नाउ इट्स ओके। अब एक चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ईवी। इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू होती है, ईवी। अगर हम यहां से देखें तो यहां वैल्यू पुट करो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई 2 mE × v। वी यहां पर क्या है, कितना पोटेंशियल लगाया जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर एच कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट, अगर हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास लैम्डा क्या आएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई में √v। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर एच की वैल्यू रख दी 6.67 × 10⁻³, 2 एम 9.1 × 10⁻³, ई चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसमें कितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो लिख दो। तो एक ये फॉर्मूला बेटा, और एक ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो अब बेटा, अब हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बेटा ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।